Good morning, everyone. Today we are going to start our first unit, the Markhor, for class 7th. तो ये प्रोज का आपका आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है. तो इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है Markhor के बारे में. जो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेम एनी 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज. किसी 5 ऐसी स्पीशीज का नाम लो जो एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो वो एनिमल्स, वो स्पीशीज जो दिन ब दिन डिक्लाइन होती जा रही हैं, मतलब दिन ब दिन उनका नंबर घटता जा रहा है. ये जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, टाइगर के बारे में आपने सुना होगा, डियर के बारे में सुना होगा. इसी तरह बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, इवन Markhor भी इसमें ही आता है. तो ये वो स्पीशीज हैं, वो एनिमल्स हैं जो दिन ब दिन उनकी तादाद घट रही है. वेयर आर सच एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड. ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज जो खत्म हो रही है उनके लिए क्या कोई जगह बनाई गई होती है? एक्चुअल में बनाई गई होती है. सो यू हैव टू नेम देम बाय योरसेल्फ. तो वो जगह क्या है जहाँ वो रहते हैं? नेम एनी 4 फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. किसी भी 4 फेमस मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम बताओ. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. यू हैव टू फाइंड इट आउट. Name the famous wildlife sanctuary in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir में कौन सी famous wildlife sanctuary है उसका नाम बताना है. तो हम start करते हैं. The Markhor Capra falconeri is one of the largest and most distinctive members of the Caprinae or goat family. The Markhor, जिसका biological name है Capra falconeri, बहुत ही यूनिक स्पीशीज है अपने इस गोल्ड फैमिली से. मतलब इसका यह है कि जो Markhor है वो भी गोट्स की ही फैमिली में आता है, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ है. तो क्या चीज़ें हैं जो इसको बाकी चीज़ों से डिस्टिंक्ट बनाती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Cheyenne's father was promoted and transferred to Leh as headmaster and posted in him as Shukpachan of Khalsi zone. Cheyenne ke pita jo hain, Cheyenne ke jo father hain, unko promotion mili gayi, promote kiya gaya aur unko transfer kiya gaya hai Leh mein, jo ki Ladakh mein aata hai, as headmaster aur post kiya jata hai kis jagah? हेमस सुपचन ऑफ खालसी जोन में. शायान एकॉम्पनीड हिज फादर टू स्पेंड अ कपल ऑफ मंथ्स विद हिम इन लद्दाख. शायान अपने फादर के साथ जाता है, उनके साथ रहता है, उनको एकॉम्पनी देता है ताकि वो भी कुछ कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीने गुजारे लद्दाख में अपने फादर के साथ. ड्यूरिंग हिज स्टे, उस दौरान Cheyenne विजिटेड वेरियस प्लेसेस सच एज द रॉयल पैलेसेस एंड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एट बुजगो ले आलकी इन एडिशन टू जामा मस्जिद एट ले, शाह हमदान मस्जिद एट शे एंड पेंगोंग लेक. उस दौरान Cheyenne जो है बहुत अलग अलग जगहों पर पहुंचता है. रॉयल पैलेसेस मतलब महल जो होते हैं, हिस्टोरिकल महल होते हैं अलग अलग जगहों में, तो लद्दाख में भी होते हैं. वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ जाता है, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में जाता है, बुजगो में, लेह में, आलकी में. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वो जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो हैं इबादत करते हैं. और इसके अलावा जामा मस्जिद लेह में जो है वहाँ जाता है, शाह हमदान मस्जिद में भी जाता है और पेंगोंग लेक में भी जाता है. Cheyenne's father, जिनका नाम था मिस्टर लोन, इज लिव्ड, जिनका नाम है एक्चुअली मिस्टर लोन, लिव्ड इन सोनम्स हाउस. वो सोनम के घर पे रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट, किराए पर. Cheyenne, अ क्लास 7th स्टूडेंट, ज्वाइन द सेम स्कूल एंड मेड फ्रेंड्स विद सोनम, हु
who had keen interest in wildlife and expressed his concern about the endangered species. Shayan, जो कि क्लास सेवेंथ का बच्चा है, उसने भी अपने ही पापा का स्कूल ज्वाइन किया और उसके फ्रेंड बना सोनम, जिसको बहुत ही दिलचस्पी थी वाइल्ड लाइफ के बारे में, और वो हमेशा अपनी चिंता जाहिर करता एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, वो स्पीशीज जो डिक्लाइन हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ जो स्टार्ट हुई है, इसको हम डायलॉग्स बोलते हैं। मतलब ये सोनम का डायलॉग है, ये सोनम बात कर रहा है, उसके बाद ये शायान बात कर रहा है, ये शायान का डायलॉग है, फिर और सोनम है। तो ऐसे डायलॉग्स होते हैं। सोनम कहता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द मारखोर, क्या आपको कुछ भी इल्म है मारखोर के बारे में? शायान, ओह नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मारखोर, नहीं मुझे कुछ नहीं पता मारखोर के बारे में। आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। सोनम, टुडे द टीचर विल टेल अस अबाउट दिस एनिमल, आज हमारा जो टीचर है वो हमें इस जानवर के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर टीचर की एंट्री होती है, तो टीचर का डायलॉग है। टीचर, चिल्ड्रन इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियन कैमल, क्लास सिक्स में आपने बैक्टीरियन कैमल के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट, क्या आप कुछ भी याद है उसके बारे में? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं, यस सर, जी सर। टीचर, ओके, इज द बैक्टीरियन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्या बैक्टीरियन कैमल है वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है? स्टूडेंट्स, यस सर, बिकॉज इट्स नंबर इज डिक्लाइनिंग। यस सर, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? वो स्पीशीज जो दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही हो, जिसका नंबर जो है दिन ब दिन खत्म हो जाए, वो स्पीशीज जो खतरे में हो। यस सर, क्योंकि इसका नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए हम समझते हैं बैक्टीरियन कैमल भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है। टीचर, टुडे वी शैल रीड अबाउट द मारखोर, होप यू विल एंजॉय द लेसन, आज हम मारखोर के बारे में पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा लेसन पढ़ने में। शायान, आई एम ईगर टू नो अबाउट द मारखोर, ईगर का मतलब होता है इंटरेस्टेड, मैं भी या फिर एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि जानने के बारे में कि मारखोर क्या होते हैं। टीचर, मारखोर्स आर जाइंट गोट्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स एट हाइट ऑफ 600 to 3500 meters, दैट इज 1900 to 11,000 feet। मारखोर्स जाइंट होते हैं, बोलते हैं विशाल बड़े गोट्स होती हैं, जो कि पहाड़ों पर रहती है, एट द हाइट ऑफ 600 to 3500 meters की हाइट पर रहते हैं ये, या फिर 1900 से लेकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। दीज आर फाउंड इन वुडेड माउंटेन्स इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। मारखोर जो हैं ये पाए जाते हैं वुडेड माउंटेन्स में, मतलब वो वाले माउंटेन्स जो दरख्तों में ज़्यादा हों, नॉर्दर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। इन इंडिया दीज आर फाउंड इन द पीर पंजल, और इंडिया में ये मारखोर जो हैं पाए जाते हैं पीर पंजल में। कल हम अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक इट।